कहीं आप असफल तो नहीं? कहीं आप सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नकली पैमानों को सफलता का पैमाना तो नहीं समझ बैठे हैं? यस, ये बाजार में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। बाजार यानी समाज, लोगों का बाजार। तो समाज में 99% लोग जो स्वयं को सफल समझते हैं, पर वो जो असली पैमाने हैं उनके हिसाब से असफल है। और कुछ लोग, कुछ 1% लोग जिनको समाज असफल मानता है, जो समाज की नज़र में कुछ भी नहीं है, नथिंग, लेकिन फिर भी वो असली पैमानों के हिसाब से सफल हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो असली पैमाना कौन सा है जिससे ये पता चलता है कि कौन आदमी सफल और कौन आदमी असफल? आज इस दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है, मंजिल पाना चाहता है, जीवन में सफल कहलाना चाहता है। आज अगर आप किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछेंगे या किसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछेंगे, किसी भी आदमी से चलती राह पे पूछें पूछें आप, और उसे पूछें जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जवाब आएगा कि जीवन का उद्देश्य इस क्रम में जीना है। ये कौन सा क्रम है जिसमें लोग जीने की बात कर रहे हैं? वो क्रम का नाम है, पहले पैदा हो जाओ, फिर स्कूल जाओ, फिर कॉलेज चले जाओ, फिर नौकरी की तलाश करो, फिर पैसा कमाओ, नौकरी मिलने के बाद पैसा कमाओ, फिर शादी करो, फिर शादी करके खर्चा करो, फिर खर्चा के साथ साथ अपने जैसे और भी पैदा करो, और फिर जो पैदा किए हैं उन्हें भी अपने जैसे इस क्रम में फिर से लगा दो, यानी रिसाइकिल कर दो, फिर से एक फिर से नई जनरेशन इसी क्रम में लग जाएगी। अक्सर 99% लोग दुनिया में इसी प्रकार से जीवन को जीते हैं। शायद मैंने गलत कह दिया, वो जीवन को इसी प्रकार से मरते हैं, ये सही शब्द है, जीवन को मरते हैं, या जीवन की आत्महत्या करते हैं। यस, जीवन की हत्या करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इस धरती पे बताइए वो कौन सी जगह का नाम है जहां सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, तो उस जगह का नाम है शमशान घाट। शमशान घाट में इस दुनिया के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग छिपे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग नहीं मरते, जहां वो कभी नहीं मरते, जहां लोग स्थायी हैं, तो उस जगह का नाम है शमशान घाट। शमशान घाट में कोई नहीं मरता, तो वही स्वर्ग है। आदमी अमर होना चाहता है, वो स्वर्ग की खोज कर रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाकर मैं कभी ना मरूं। तो मित्रों, उस जगह का नाम है शमशान घाट, जहां आप कभी नहीं मरेंगे। शमशान घाट में कभी कोई नहीं मरता। लोग मरते हैं तो बस्तियों में मरते हैं, जहां सोसाइटियों में लोग मरते हैं, क्योंकि वहां हर रोज कुछ कोई मर रहा है। तो जहां हर कोई हर रोज मर रहा है उसका नाम शमशान घाट होना चाहिए, क्योंकि वहां हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, हर सप्ताह हर महीने कोई ना कोई मर रहा है। तो जहां कोई ना कोई मर रहा है उस जगह का नाम शमशान घाट होता है, लेकिन जहां कोई नहीं मरता उसका नाम बस्ती है, जहां लोग बसे रहते हैं। तो यहां पर जो शमशान घाट, जिस जगह को हम शमशान घाट कह रहे हैं, वो बस्ती है, क्योंकि वहां लोग बसे हुए हैं, वहां कोई नहीं मरता। और जिस बस्ती को, जिस सोसाइटी को हम बस्ती कह रहे हैं, असल में वो बस्ती नहीं है, क्योंकि वहां हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। तो जहां हर रोज कोई ना कोई मर रहा है उस जगह का नाम शमशान घाट है। समझे कि नहीं? तो असल में लोग इस क्रम में जीवन में मरते हैं, जीवन को जीते नहीं, जीवन में उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती। वो सफल उन चीज़ों को पाने को समझते हैं जो सफलता नहीं है, जो साध्य नहीं है। बेसिकली वो साधनों को सफलता समझ बैठे हैं, वो साधनों को साध्य समझ बैठे हैं, जबकि साधन और साध्य में फर्क है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, और अक्सर लोग इधर उधर लोगों से पूछते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है। वो जीवन में बहुत सारे उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं कि उनका उद्देश्य धन कमाना है, उनका उद्देश्य पद कमाना है, उनका उद्देश्य जमीन कमाना है, उनका उद्देश्य रिश्ते कमाना है, उनका उद्देश्य मान सम्मान कमाना है। वो एक जीवन में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, एक जीवन में उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसलिए कोई भी पूरी नहीं होती। क्योंकि इच्छा शक्ति का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जितनी अधिक इच्छाएं आपकी होंगी उतनी कम इच्छा शक्ति होगी, जितनी कम आपकी इच्छा होगी आपकी इच्छा शक्ति उतनी बड़ी हो जाएगी, उतनी ताकतवर हो जाएगी। और सफलता का जो सूत्र है वो है इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको सफल बनाती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी कोई एक इच्छा नहीं है बल्कि बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी। आप जीवन में उद्देश्य बना के बैठे हुए हैं, पर आप भूल गए हैं कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन स्वयं में एक उद्देश्य है, जिंदगी खुद एक उद्देश्य का नाम है, जीवन एक खोज का नाम है। खोज क्यों? क्योंकि हर आदमी का जीवन अलग है। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन आपका जीवन हो जाएगा या आपका मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी का जीवन अलग है। क्यों? क्योंकि हर आदमी अलग है। हर आदमी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, ये आप जानते हैं। हर आदमी के अपने गुण हैं, अपने व्यक्तित्व गुण हैं, तो जाहिर है हर गुण के हिसाब से उसका जीवन वैसा हो जाएगा। इसीलिए
इस क्रम में जीना, जो अभी हमने क्रम की बात करी, मुझे नहीं लगता कि वो जीवन का कोई उद्देश्य है। वो जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो जीवन है, पर अधिकांश लोग साधन को उद्देश्य समझ बैठे हैं, साधन को साध्य समझ बैठे हैं, और वो उसी प्रक्रिया में इतने उलझ गए हैं कि वो संघर्ष करते करते मिट गए हैं। उन्हें सिखाया गया है कि इस क्रम में जीना ही जीवन है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि असली जीवन क्या है। इस धरती पे अधिकांश लोग जानते ही नहीं कि जीवन माने क्या, वो नहीं जानते। वो कुछ भी नहीं जानते, वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें जो वो जो कर रहे हैं वो भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। आपके अधिकांश निर्णय, आपकी अधिकांश इच्छाएं, आपके अधिकांश फैसले आपके अपने नहीं हैं। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि जितने भी फैसले आए इंसान लेता है, जितनी भी इच्छाएं उसके पास हैं, वो सब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आरोपित की गई हैं, किसी सोसाइटी द्वारा आरोपित कर दी गई हैं, पर वो आपकी नहीं है। और चूंकि वो आरोपित इतनी गहनता से कर दी गई हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पर्सनालिटी पर, आपकी असली पर्सनालिटी पर, ओरिजिनल मौलिक यूनिक पर्सनालिटी पर कुछ नकली परतें चढ़ा दी गई हैं, और आपको एक नकली पर्सनालिटी बना दिया है जिसे आप अपनी असली पर्सनालिटी समझ बैठे हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? यह सवाल वैसा ही है जैसे कोई ये पूछे कि खुशी का उद्देश्य क्या है, सुखी रहने का उद्देश्य क्या है, आनंद का क्या उद्देश्य है, हंसी का क्या उद्देश्य है, प्रेम का क्या उद्देश्य है। जैसे इनका कोई उद्देश्य नहीं, ये स्वयं में एक उद्देश्य है, वैसे ही जीवन भी स्वयं में एक उद्देश्य का नाम है। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन का भी कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन स्वयं एक उद्देश्य है। तो जीवन की खोज में निकलो और सफल हो जाओ। धन्यवाद।